हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है जो हमने जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था, हम लोगों ने कहां पे लास्ट छोड़ा था। हम लोगों ने बात करी थी लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है और ये होता क्यों है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय परिवहन। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि सक्रिय को सक्रिय परिवहन क्यों कहा जाता है। सक्रिय को सक्रिय परिवहन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे किसका यूज होता है, एटीपी का प्रयोग होता है, एटीपी का यूज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एटीपी का प्रयोग क्यों होता है, एटीपी का यूज क्यों होता है, क्या रीजन है एटीपी का प्रयोग होने का। अब एक बात बताओ, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी कि एक आम कंडीशन के अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी चीज अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, यानी कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूवमेंट करती है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, अब ये क्या है, इसकी कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अब ये कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो ये कवरिंग है, ठीक है, अब बाहर की तरफ मान लो सोडियम का अमाउंट जो है वो कैसा है, कम है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ओके, और अगर हम लोग बात करें कि पोटेशियम का अमाउंट जो है वो अंदर की तरफ जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और सोडियम का अमाउंट जो है वो कम है, और बाहर की तरफ सोडियम का अमाउंट जो है वो ज्यादा है और पोटेशियम का अमाउंट जो है वो कम है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ओके यस, तो यहाँ पे देखिएगा एक बार, अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी नाम देते हैं, याद रखिएगा, इस पंप को हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप आल्सो। अब प्रोसेस क्या चल रहा है ध्यान से समझिएगा, मान लो कोई भी एक कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके अंदर कोशिका के जो अंदर है सोडियम का अमाउंट कैसा है, कम है, पोटेशियम का अमाउंट जो है वो कैसा है, ज्यादा है, बाहर की तरफ सोडियम का अमाउंट ज्यादा है और पोटेशियम का अमाउंट कम है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, तरीका तो यहाँ पे ये कहता है कि हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चीजों का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तरीका तो यही कहता है ना कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि तकनीकी रूप से, यानी कि टेक्निकल फॉर्म के अंदर अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि क्या होगा, सोडियम तो अंदर आ जाएंगे और पोटेशियम जो है वो बाहर चले जाएंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ये होता कहाँ पे है, ये होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, या फिर इसको हम नेफ्रॉन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं, जो हमारी किडनी जो होती है, हमारी किडनी यानी कि जो हमारे वृक्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो छानते हैं, किसको छानते हैं, वो छानते हैं बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को वो छानते हैं, उसको वो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको वो रिमूव कर रहे हैं, और जो क्या कहते हैं, जो नॉर्मल जो हमारे जो ब्लड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उस ब्लड के कॉम्पोनेंट्स को वो वापस से कहाँ पे डाल रहे हैं, ब्लड के अंदर डाल रहे हैं। सो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे अगर सोडियम का अमाउंट कोशिका के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो कोशिका की जो परासरण नियमन है अब वो वहां पे गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम बात करें, एक विशेष तरह के प्रोटीन होते हैं जिनको हम वाहक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन, इनको हम
करियर प्रोटीन भी बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, कैरी करने का, लेके जाने का, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक एंजाइम काम में आता है और उस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपेज एंजाइम, ठीक है। वो जो एंजाइम है वो कौन सा है बेटा, एटीपेज एंजाइम यहाँ पे काम में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हो गए वाहक प्रोटीन और यहाँ पे एंजाइम हो गया कौन सा, एटीपेज एंजाइम, ठीक है। अब प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, समझना इस चीज को। अब प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो सोडियम है वो किसके साथ जुड़ जाता है, कैरियर प्रोटीन के साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन को मैंने यहाँ पे डिनोट किया है किसके साथ में, सी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, किसका, सोडियम और कैरियर प्रोटीन का एक क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अब सोडियम और जो कैरियर प्रोटीन है यानी कि Na प्लस और ये C, ये साथ में जुड़ेंगे किसके साथ में, एटीपी जहाँ पे काम में आएगा। और जो एटीपी के साथ में कैरियर प्रोटीन जो है वो अब यहाँ पे कैरियर प्रोटीन क्या काम करेगा कि ओवरऑल जो एटीपी है, एटीपी के साथ में क्या जुड़ जाएगा, कैरियर प्रोटीन जुड़ जाएगा और सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि एटीपी के साथ में क्या जुड़ गया, कैरियर प्रोटीन, और सोडियम जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। साथ में यहाँ पे एक एंजाइम और होता है जिसको हम बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। तो अब यहाँ पे एटीपेज एंजाइम ये क्या है, एटीपी और कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पे एटीपेज एंजाइम काम करेगा और क्या करेगा, एटीपी को रिलीज कर देगा और साथ में कैरियर प्रोटीन को अलग कर देगा। तो ये वाली मैकेनिज्म है जो कि अभी हमारे बाउंसर हुई है। दोबारा से समझना, हो क्या रहा है, समझो इस चीज को, फिर से समझो एक बार इस चीज को। मैं जानती हूँ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब यहाँ पे दोबारा से समझो प्रोसेस क्या हो रहा है सक्रिय परिवहन में। अब यहाँ देखो, सोडियम जो है कोशिका के अंदर जाना है, पोटेशियम जो है वो कोशिका के, सॉरी सोडियम जो है वो कोशिका के अंदर कम है, पोटेशियम कोशिका के अंदर बहुत ज्यादा है। और इधर की तरफ ये तो कौन सी सिचुएशन है, बाहर वाली, ठीक है, और ये कौन सी सिचुएशन है, अंदर वाली। अब अंदर वाली सिचुएशन में तो मैंने आपको बता ही दिया, बाहर वाली सिचुएशन में सोडियम की मात्रा ज्यादा है और पोटेशियम की मात्रा कैसी है, कम है, ठीक है। और सेल को क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। तो कोशिका क्या करती है, यहाँ पे एटीपी का प्रयोग करती है और उस एटीपी का प्रयोग वो कहाँ पे कर रही है, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने के। ग्रेडियंट क्या है, प्रवणता, ठीक है। होता क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया है, होता क्या है कि चीजें हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रही है, यही मैंने आपको बताया है। तो अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि सोडियम तो अंदर आ जाए और पोटेशियम बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोशिका ऐसा नहीं करती। क्योंकि अगर सोडियम का अमाउंट कोशिका के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो कोशिका जो होती है उसकी जो परासरण दाब जो है वो उसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात। इसी वजह से कोशिका के बिल्कुल जो सतह होती है यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ पे एटीपी और कैरियर प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, ओवरऑल एक चैनल बनता है, एक पंप बनता है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बनते हैं। तो यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर की साइड में तो क्या बाइंड होता है, अंदर की साइड में तो बाइंड होता है सोडियम, ठीक है, ओके। और बाहर की साइड में क्या बाइंड होता है, पोटेशियम, ठीक है। और ये जाता है बाहर की तरफ और इसके बाहर की तरफ जाने में कौन काम में आता है, एटीपी काम में आता है। तो जब ये बाहर की तरफ गया तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से सोडियम तो कहाँ चला जाता है, बाहर की ओर, और पोटेशियम बाहर से कहाँ आ गया, वापस अंदर की ओर। तो सोडियम को कोशिका से बाहर निकाला गया और पोटेशियम को कोशिका के अंदर और लिया गया। दाब प्रवणता के अगर हम लोग बात करें कि जो उसकी प्रवणता है, उस प्रवणता के विरुद्ध यानी कि ग्रेडियंट के विरुद्ध में जाके ये काम किया गया है। और इसी तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रिय परिवहन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, सक्रिय परिवहन क्या होता है, फिर से सुन लो। सक्रिय परिवहन वो परिवहन है जहां पे प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाके कोशिका क्या कर रही है, सोडियम को तो क्या कर रही है, कोशिका के बाहर निकाल रही है, और पोटेशियम को क्या कर रही है, कोशिका के अंदर ले रही है। और उसकी
कि इस मदद के लिए एक तरह का प्रोटीन है यहाँ पे जिसको हम कैरियर प्रोटीन बोल रहे हैं। तो अगर मान लो कि मैं कैरियर प्रोटीन हूँ, मेरे इस तरफ तो क्या होगा सोडियम और इस तरफ क्या होगा पोटेशियम, तो ये कहाँ पे है कोशिका के अंदर और ये कहाँ पे है कोशिका के बाहर। और अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो मेरे हाथ है वो क्या है कैरियर प्रोटीन है, तो ये कैरियर प्रोटीन के अंदर चेंजेस आए तो पोटेशियम कहाँ पे आ गया कोशिका के अंदर और सोडियम कहाँ चला गया कोशिका के बाहर चला गया। सो इसी चीज और यहाँ पे काम किसने किया, यहाँ पे जो एनर्जी मतलब अगर हम किसी चीज से लड़ रहे हैं फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए जो यहाँ पे एनर्जी आएगी वो एनर्जी यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा एटीपी प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे एटीपी प्रोवाइड करेगा। और जो यहाँ पे करियर प्रोटीन जो था उस करियर प्रोटीन को उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस में यानी कि वापस से उस चेंजेस में लाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, उसके लिए यहाँ पे एटीपेस एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे इस बारे में और बात करते हैं। हाँ जी बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा ये वाला जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है ये वाला जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है व्रतकाणुओं के अंदर। व्रतकाणु मतलब क्या हो गए आपके नेफ्रॉन्स के अंदर। कोई अगर आपसे ये पूछे कि किडनी की इकाई क्या है तो आप क्या बताओगे व्रतकाणु यानी कि नेफ्रॉन होते हैं। तो अब किडनी का काम क्या होता है बाहर निकालना, ठीक है किसको वेस्ट पदार्थ को, तो सोडियम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है बजाय पोटेशियम के। ओके सो अब नेक्स्ट हम लोग अगर मूव करते हैं किसी और इसी टॉपिक में आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो पहली बात यहाँ पे आती है कि जो कोशिका झिल्ली जो थी यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, ठीक है यानी कि उसका ओरिजिन क्या है, उद्भव और ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल है, कोशिका की साइज के अकॉर्डिंगली वो क्या करता जाता है अपना साइज फैलाता जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली जो होती है उसका उद्भव हम ये मानते हैं कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि ER है जिसको हम क्या बोल रहे हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोल रहे हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका के दो पार्ट होते हैं जिसको हम SER या RER बोलते हैं, ठीक है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं, ठीक है। तो अब SER क्या बनाता है, ये बनाता है लिपिड और ये क्या बनाता है प्रोटीन। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं तो उनका जो कार्य जो होता है उनका जो निर्माण होता है वो कौन कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ओवरऑल जो कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका झिल्ली के अंदर यहाँ पे जो एनिमल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये इनके अंदर बहुत सारे यहाँ पे रिसेप्टर्स भी लगे हुए होते हैं ताकि यहाँ पे एक तरह का कोऑर्डिनेशन हो सके, एक तरह का यहाँ पे रेगुलेशन हो सके, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो सके। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि भाई एक साथ सारी सेल एक ही काम कर रही हैं तो कोई ना कोई हार्मोन यहाँ पे अटैच होगा, कोई एक सिग्नल यहाँ पे अटैच होगा। अच्छा चलो इस चीज को छोड़ो, तुम क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है एकदम से एक बच्चा भागता हुआ आया, क्लास में खूब सारा शोर मच रहा है, एकदम से भाग से बाहर से भागता हुआ बच्चा आया, अरे सुनो 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 बाहर से प्रिंसिपल सर आ रहे हैं डायरेक्टर सर आ रहे हैं, और आप लोग क्या करोगे अपनी किताबें निकाल के बैठ जाओगे। तो अब यहाँ पे सिग्नल का काम किसने किया, उस बच्चे ने, ठीक है और मैसेज देने कौन आ रहे हैं प्रिंसिपल सर। तो
ऐसे ही कोशिका के अंदर होता है कि एक साथ सारी कोशिकाएं एक ही काम कर रही हैं। तो जो वो कोशिकाएं जो काम कर रही हैं, उन कोशिकाओं के काम करने के लिए अगर मैं बात करूं, बाहर की तरफ रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा झिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूं इसके, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। तो इससे वजह से क्या होता है कि कोशिका के अंदर एक साथ कोशिका बहुत सारा, मतलब जो भी उसको मैसेज मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी चीजें अंदर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, मैंने आपको बता ही दिया है निष्क्रिय या सक्रिय अभिगमन के द्वारा वो अंदर या बाहर जाती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक तरह के प्लाज्मोडेस्माटा और प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्माटा। इनका काम क्या होता है, समझ लो, दो कोशिका के मध्य इस तरह से दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य भी आपस में कई बार मिले हुए होते हैं, पादप कोशिकाओं में ऐसा होता है। तो ये इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्लाज्मोडेस्माटा। दो कोशिकाओं के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ एक काम कर रही है बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये एक बेस है जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक सेल टिकी हुई है। इमेजिन करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट जाए, फट जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? तो पूरी की पूरी सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। सो ये एक बेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह का बेस है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मंडे से हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। सो कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है किसी टॉपिक के अंदर मुझे और इलाबरेट करना चाहिए वो टॉपिक, या और उसके बारे में मुझे और बताना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।